हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडीज स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल और आज की तारीख है फिफ्टीन ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और देखते हैं कि आज सुबह तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल चलिए अच्छा तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे आज के दिन की लेकिन सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखा करिए कि जब क्लास लाइव हो जाएगा तो एक बार से पिन कर दिया करो कमेंट बॉक्स में और क्या चलो तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया लेकिन इसके साथ में क्या करना होता है अपना कॉपी और पेन लेके बैठना होता है क्योंकि क्लास के साथ साथ में आपको अपने नोट्स भी तैयार करने होते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम इन कमेंटिंग कमेंट में अपना टाइम वेस्ट मत किया करिए जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तब आप उसका आंसर किया करिए बाकी अपने समय का इस्तेमाल किया करिए ताकि आपके नोट्स बनते रहें ठीक है वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक राकेश सुबोधित आशीष विकास विकास विनय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल अक्षय गुड मॉर्निंग चल अच्छा तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे अब देखो आज के सेशन में ना इंटरनेशनल न्यूज बहुत ज्यादा है क्योंकि हम लोग सिंगापुर भी जाएंगे यूएई भी जाएंगे और इसके साथ में भूटान में भी चलना पड़ेगा तो काफी ज्यादा आज आपके पेपर के हिसाब से जो इंटरनेशनल न्यूज़ है ना वो ज्यादा रहेगी तो उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते जाना ठीक है देखिए न्यूज़पेपर एनालिसिस न्यूज़पेपर एनालिसिस में अलग से कुछ नहीं है वो हम लोग जब एमसीक्यू के साथ में पढ़ते चलेंगे ना वहीं पर वो चीजें आपके लिए खत्म हो जाएंगी उसी के साथ में उसको कवर कर लेंगे अलग से करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट होगा आपका जीके और फैक्ट का पार्ट मैंने आपको बताया है जहां पर भी जी होगी वो आपको बता दिया जाएगा जहां जो फैक्ट होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा ठीक है संजू अपूर्वा आई विल शेयर दैट ठीक है मैं यह देखो दिमाग से निकल जाता है कि अच्छा वो पीडीएफ भी शेयर करनी आई विल शेयर दैट एंटोनियो घ्यू अभी बात करेंगे आसुमाए बारे में भी त्रिनाथ राधिका निकिता कृष्णा सिया जायदा ईशा सौरभ गिरीश भावना आरती राकेश गुड मॉर्निंग टू ऑल उमा गुड मॉर्निंग चलें फिर आगाज़ किया जाए देखिए आई अच्छा चलो तो सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि आज के कौन कौन से क्लासेस और होंगे इस क्लास के बाद में इस क्लास के बाद में आज हम लोग जो साढ़े दस बजे के क्लास में पढ़ेंगे स्टेट वो होगा राजस्थान और कल दैट मीन्स फ्राइडे को जो आपका स्टेट रहेगा वो होगा पंजाब एंड हरियाणा तो इन दोनों को ध्यान रखना साढ़े बजे क्लास होता है आधे घंटे का होता है उसमें हम लोग सारी चीजें पढ़ लेते हैं ठीक है अब देखो इसके बाद में जो दोपहर में दो बजे आपके टॉपिक चल रहे हैं वो सारे के सारे आपके स्टैटिक के टॉपिक चल रहे हैं अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये वाला टॉपिक मैम वो वाला टॉपिक लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हो कि सारे टॉपिक जो हैं वो ऑलरेडी हम मैक्सिमम कवर कर चुके हैं और जो नहीं हुए हैं वो हम कवर कर रहे हैं तो एक बार से ना जो पुराने क्लासेज हैं उसको भी देख लिया करिए सो दैट आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाया करे ठीक है दिव्या मुन्ना भाई संजू सुरजीत सिली तबरेज प्रमोद खेदी खे ओके चले आगाज किया जाए फिर ओके सोनाली राकेश वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो अच्छा करते हैं शुरुआत यहाँ पे अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे कुछ अधूरी खुशियां ही तो जीने का मजा देती हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है यार देखो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है पक्की पकाई मिल जानी चाहिए लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर हमें सारी चीज़ पक्की पकाई मिल जाएगी तो लाइफ में करोगे क्या अब आधे कहेंगे मैम क्या बात कर रही हैं कम से कम पक्का पकाए कुछ तो मिले तो देखो यहाँ पे आज के टाइम में ना कोई भी चीज़ जो है वो आपको कभी पक्की पकाई तो मिल ही नहीं सकती है आपको हर एक चीज़ के लिए एफर्ट करना पड़ता है चाहे वो खाने की बात हो या फिर आपके एग्जाम के अंदर सिलेक्शन की बात हो तो हर एक चीज़ के लिए आपको एफर्ट करना ही पड़ता है कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट तो वैसे भी नहीं है लेकिन एटलीस्ट जिस चीज़ को हम परमानेंट बना सकते हैं वो क्या है वो है आपकी सक्सेस तो हमेशा ध्यान रखा करो कि जो भी काम आप करते हो उसको इस तरीके से किया करिए कि भाई दिस इज़ द लास्ट एंड इसके बाद में मुझे वो मौका नहीं मिलेगा तो एक बार आपको जो मौका मिल रहा है लाइफ में डोंट वेस्ट इट उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करो क्योंकि एक बार जब मौका चला जाता है ना वापस नहीं आता समझे चलिए अच्छा तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे युवराज लवली राजन संजू अर्पित क्या चेतना खुशबू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल चलें फिर देखें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है सिंगापुर के साथ में तो जरा चलते हैं सिंगापुर और सुबह-सुबह सोचो सुबह-सुबह सिंगापुर घूमने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाता है है ना तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हम लोग यहाँ पे अब क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं तो प्लीज सबसे पहला काम अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर लेना और क्लास के लिंक को एक बार से शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में देखिए सबसे पहली न्यूज क्या है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल जो है उसका शुभारंभ कर दिया गया है यानी कि उसको इनोग्रेट कर दिया गया है तो आइए जरा बात करते हैं इसके बारे में देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल जो लगाया जा रहा है वो कौन सी कंट्री में लगाया जा रहा है तो मैंने अभी आपको बोला कि ये कहाँ पे लग रहा है सिंगापुर के अंदर अब आप कहेंगे कि मैम फिर बाकी ऑप्शंस का क्या सुनो जब हम यहाँ पे बात करेंगे रशिया के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आएगा वो क्या है एस फोर हंड्रेड सेकेंड पॉइंट आएगा यहाँ पे ब्रह्मोज मिसाइल के बारे में और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि रशिया और इंडिया जो है ये दोनों ही अभी हाल ही में टू प्लस टू डायलॉग के अंदर शामिल हुए थे और यहाँ पे इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था तो इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा एस जयशंकर जी ने अभी हाल ही में इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था अगला लिखा हुआ है चाइना इनके बारे में हम यहाँ पे कोई भी बातें नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में अभी पाकिस्तान के साथ में मिलकर बातें करी जाएंगी अगला लिखा है जापान अब जापान आएगा तो भाई एक ही न्यूज हमेशा आ रही है वो है टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में और टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर सवाल बिल्कुल आखिरी में मिलेगा ठीक है माही चलो करेक्ट है न्यूज है अब देखिए न्यूज़ क्या सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये समझिएगा कि ये जो सोलर प्रोजेक्ट की बात यहाँ पे करी जा रही है दुनिया का सबसे बड़ा है ध्यान से दुनिया का सबसे बड़ा है अब आप कहेंगे तो फिर मैम इंडिया में कौन सा वाला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सोलर प्रोजेक्ट तो है और साथ में फ्लोटिंग भी है तो ये ध्यान रखिएगा एमपी के अंदर आपको एक डैम देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है इंदिरा सागर डैम बना हुआ है और ये जो इंदिरा सागर डैम है ये कौन सी नदी के ऊपर है तो ये नर्मदा नदी के ऊपर बना है जिसके ऊपर हमारे देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग अभी क्या बनाया जा रहा है सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं आप बोलोगे कि मैम ये तो लगाए जा रहे हैं लेकिन इसके साथ में एक तेलंगाना वाला भी तो था जी हाँ तेलंगाना की भी अगर आप बात करोगे तो तेलंगाना के अंदर भी एक फ्लोटिंग यहाँ पे पैनल तो लगाया जा रहा है लेकिन ये अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन में एमपी दिया होगा तो एमपी मार्क करोगे तेलंगाना अगर दिया होगा तो तेलंगाना मार्क करोगे और अगर आपसे कहा जाता है कि भैया लेटेस्ट कौन सा है एम मार्क होगा अगर पूछा जाए कि अपकमिंग कौन सा है तो आंसर तेलंगाना मार्क होगा ठीक है प्रिंस करेक्ट है अच्छा ये तो बात हुई इसके बारे में आप पूरी कहानी को समझते हैं ठीक है देखो पहला पॉइंट क्या है कि ये जो सोलर पैनल लगाया जा रहा है ये कब तक बनके तैयार होगा 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा सेकेंड पॉइंट क्या है क्या ये अकेले सिंगापुर ने डेवलप किया है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसको डेवलप करने के लिए साउथ एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिल के यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मिल अपना योगदान यहाँ पर दिया है अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये एक ग्रुप भी है जिसको हम आसियान के नाम से जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अगर मैं आपसे कहूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जकार्ता के अंदर है और जकार्ता कहाँ है इंडोनेशिया के अंदर आपको मिलेगा टोटल कितने देश दस क्या इंडिया इसका पार्ट है नहीं इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि आसियान के अंदर एक और ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है आर तो आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही लिखा है अब आप मुझे ये बताओ क्या आरसीपी के अंदर इंडिया जो है वो मेंबर है या मेंबर नहीं है आंसर करके बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छा अब पॉइंट यहां से ये निकल के आया कि चलो ठीक है ये तैयार हो जाएगा 2025 तक लेकिन इसका प्रॉफिट क्या होगा तो यहां पर ये इतना बड़ा पैनल लगाया जा रहा है कि टोटल 45 फुटबॉल ग्राउंड जो है ना उसके बराबर का ये बन के तैयार हो जाएगा आप समझ सकते हो कि एक फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा होता है और 45 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर का इसको डेवलप किया जा रहा है अच्छा तो यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा तो सिक्सटी मेगा क्या देखो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको यहाँ पे पावर्स वगैरह पूछी जाएं तो आपके दिमाग में सिर्फ इंडिया वाला घूमना चाहिए बाकी सारा भले ही भूल जाना ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भैया इतनी पावर यहाँ से प्रोड्यूस करी जाएगी अब सवाल ये आया कि ऐसा कर क्यों रहें तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कार्बन एमिशन होता है यानी कि ये जो कार्बन गैस जो है जो एमिट होती है अलग अलग इंडस्ट्रीज से अलग अलग जगह से इनको कम किया जा सके और यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि आर का मेंबर इंडिया अब नहीं है अब नहीं है देखो आधो का तो यस आ रहा है मतलब हम पढ़ा पढ़ा के थक गए उसके बाद भी तुमने इंडिया को आर का मेंबर बना ही दिया मतलब तुम लोग चाइना की बात ही मानोगे हैं इंडिया की बात नहीं मानोगे यार अभी तो इंडिया बाहर हुआ था कैसी बातें कर रहे हो चलो अच्छा तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत करी गई और ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है इसमें कार्बन को तो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे साथ में बोला गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई मिथेन हो गई नाइट्रस ऑक्साइड हो गई या वाटर वेपर हो गया या फिर सपोज करो ओजोन हो गया इन सबको भी कंट्रोल करने का काम किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू अब यहाँ पे आप सोचेंगे मैम इतना बड़ा यहाँ पे अगर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो इसकी मेंटेनेंस कैसे देखी जाएगी पता कैसे चलेगा कि कौन से हिस्से में कौन सी चीजें हो रही हैं तो भाई इसमें ड्रोन का इस्तेमाल होगा किसका इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर ड्रोन का यूज किया जाएगा और ड्रोन जो है वो पूरे एरिया के ऊपर अपनी नजरें रखने का काम करेगा तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सिंगापुर से याद रखनी है ठीक है लेकिन इंडिया वाला जो पर्स्पेक्टिव है उसको भी ध्यान रखना हो सकता है आपसे क्वेश्चन में इंडिया वाला सवाल पूछ लिया जाए आ जाओ चलें कहा सिंगापुर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सिंगापुर और मलेशिया की लोकेशन मिलती है अब सिंगापुर और मलेशिया की जो लोकेशन यहाँ देख रहे हो इसी जगह पर नीचे के साइड पर इंडोनेशिया है और इसके बीच में आपको एक स्ट्रेट एक जल संधि मिलती है जिसका नाम क्या है स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का वही जगह है जहाँ से चाइना अपना 60 परसेंट का ट्रेड करता है और इधर की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे अंडमान सी मिलेगा इधर की साइड पे देखोगे तो जावा से सी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो किसको किसको कनेक्ट करता है तो ये अंदमान सी को जोड़ता है किसके साथ में जावा सी के साथ में इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर सवाल है इसको खा मत जाइ ठीक है चलिए अब है बहुत बढ़िया करेक्ट है हौसला मिशन जो है यूके में भी है और लद्दाख में भी है दोनों स्टेट में है क्या जी हाँ बिल्कुल बेटा दोनों स्टेट में है लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं ठीक है थीके? देखो क्या है ना हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम होती हैं जिनके नाम सेम होते हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अच्छा बताओ एप्पल ने अभी हाल ही में बोला था कि वो अपना एक फ्लोटिंग स्टोर डेवलप करेगा सिंगापुर के अंदर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा बीच है या कौन सा ऐसा लेक है जहां पर ये डेवलप करने वाले हैं तो यहाँ पे जो जगह है वो कौन सी है मरियाना बे जहां पर डेवलप किया जाएगा एप्पल का एक फ्लोटिंग स्टोर अगला इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो एफ आता है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आता है तो सबसे पहला पॉइंट पहले तो मॉरिशस से आता था लेकिन अब की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आता है सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफ जो है वो इंडिया को रिसीव होता है अगला इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है तो यहाँ पर एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है सिंगापुर की अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए तो सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल रहेगी करेक्ट है सना बहुत बढ़िया साम्या ओके बहुत दिन बाद आज लाइव आए अरे मुबारक कहाँ रह जाते हो भाई अगला पॉइंट अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो डेनमार्क है उन्होंने अपना एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है ताकि जो कोपिन वाला एरिया है अगर मान लीजिए वाटर में संब भी हो जाता है डूब भी जाता है तो ये क्या करेंगे इस आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस आइलैंड का नाम क्या रखा गया है तो इसका नाम याद रखिएगा लेमेंटे हॉल ये क्या है कॉपिनगन और ये क्या है लेमेंटे हॉल ठीक है नेक्स्ट देखो हेली पासपोर्ट इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है इसकी अभी Q3 रिपोर्ट जारी करी गई है रिसेंटली Q2 रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग कितनी बताई गई थी 84 बताई गई थी लेकिन इस बार की जो इंडिया की रैंकिंग बताई गई है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो चलो हमें बता देते हैं इस बार की जो रैंकिंग बताई गई है क्यू थ्री की वो कितनी है नाइनटी है और ये ध्यान रखना इसमें नंबर वन पे जापान है और नंबर टू पे अगर आप देखोगे तो सिंगापुर है कौन से वाले के हिसाब से क्यू थ्री के हिसाब से पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो ये दर्शाता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग है यानी कि एक ही कंट्री का पासपोर्ट कितने सारे लोगों के पास में है उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है ठीक है करेक्ट है बिल्कुल सही है चलिए अच्छा इसी के साथ में एक और क्वेश्चन भी है अब आप कहेंगे मैम कुछ ज्यादा ही यहाँ पे सोलर सोलर नहीं हो गया अरे मैं क्या करूँ सुनो इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है सबसे बड़ा सोलर पार्क अब आप कहेंगे कि मैम ये कहाँ पे बनने जा रहा है कहाँ पे हो सकता है ऑब्वेस है कहाँ पे गुजरात के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा तो आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये न्यूज इसके ही साथ में मैंने कवर कर दिया है अलग अलग कवर करने का कोई लॉजिक नहीं था सुनिएगा रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है जो कि आपको गुजरात के अंदर मिलता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा सैलिनिटी यानी कि नमक की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जिसके चलते इसको यहाँ पे व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है अब इसी जगह पे क्या होगा हमारे देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया जाएगा सुनो सोलर पैनल पूछा जाएगा तो एम जाओगे या तेलंगाना जाओगे सोलर पार्क पूछा जाएगा तो गुजरात आना पड़ेगा और इसको डेवलप कौन करेगा एन जो है वो इसको डेवलप करेगा एन को बनाया गया था कंपनीज एक्ट के अंदर 1956 में कंपनीज एक्ट आता है उसके अंदर एन को बनाया गया था अब गजब की बात तो यहाँ पर ये यह है कि जब इसको डेवलप किया जाएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी बनके तैयार होने के बाद में जो इसकी कैपेसिटी होगी वो राजस्थान के अंदर जो एक सोलर पार्क बना हुआ है जिसका नाम है भादला, इसकी जस्ट डबल पावर होगी अब आप कहोगे कि मैम तो फिर कितना प्रोडक्शन हो जाएगा तो ये सब कुछ गुजरात में क्या होता है कैसी बातें करते हो अभी तुमको लेके चलेंगे गुजरात को तो।, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहां है राजस्थान के अंदर है और जो नया वाला डेवलप होगा वो कहाँ गुजरात के अंदर डेवलप किया जाएगा सवाल आप मुझे ये बताइए कि हाइड्रोजन बसेस की शुरुआत एनडीपीसी के द्वारा कौन से राज्य में या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में करी जा रही है कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करो ये देखो हाँ जी देख लीजिएगा जरा कायदे से आ, कुछ नहीं देखा अरे सुन तो लो सेकेंड जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है किसके साथ में पाकिस्तान के साथ में अब देखो ये तो थो थोड़ी बुरी वाली न्यूज है तो इसमें कोई भी पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ाएगा और कोई भी हंसेगा नहीं ठीक है सौरभ घोष बंगाली बाबू ठीक है हाँ अगर हम इंडिया में देखेंगे तो जो वेस्ट बंगाल है वहां पर सबसे बड़ा सोलर ट्री है बिल्कुल सही तुमने कहा वालेकुम असलम देखिए क्या हुआ है भैया पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट हुआ है और सवाल में आपसे पूछा जा रहा है धांसू डैम कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है तो इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्या हो गया चलिए बताते हैं देखो पहला पॉइंट तो देखो इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है सूर्य किरण हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका आंसर क्या बनेगा हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इसका करेक्ट आंसर बनेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है भाई ये एक्सरसाइज तो हर दिन होती है क्योंकि ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं बिल्कुल सही लद्दाख उसका करेक्ट आंसर है ये देखिए ओ, ओ ओ ओ ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक वाला हो गया यार ऐसे नहीं करते हैं देखिए हुआ क्या है पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसमें अभी बताया जा रहा है ग्यारह या फिर बारह लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है अब आप कहेंगे कि मैम ये हादसा हुआ कैसे क्योंकि यहाँ पे एक बस के ऊपर अटैक हुआ है अब जो बॉम्ब था वो बस के अंदर था या इस एरिया के अंदर लोकेट किया गया था इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आप ये देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ऑफिशियल्स से अलग अलग न्यूज आ रही है तो पहले हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझा देते हैं ठीक है देखो बहुत ही कायदे से समझना हो क्या रहा है सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है क्या चल रहा है सीपेक प्रोजेक्ट अब ये सीपेक प्रोजेक्ट क्या है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको डेवलप किया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में ठीक है लेकिन प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन करे ठीक है अब हुआ क्या अब यहाँ पे एक बस थी अब वो बस क्या थी वो यहाँ पे जा रही थी और उस बस के अंदर काफ़ी सारे इंजीनियर्स थे और काफ़ी सारे उसके अंदर मजदूर वगैरह थे जो एक डैम के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे थे और वो जो डैम के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे थे वो डैम भी कौन से वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा था सीपेक प्रोजेक्ट का ही हिस्सा था तो जैसे ही ये वाली बस क्रॉस करती है कौन सी जगह से या आप देख सकते हो क्या नाम है जगह का कोहिस्तान कौन सी जगह से क्रॉस कर रही है कोहिस्तान जैसे ही ये बस यहाँ से क्रॉस करती है यहाँ पे ब्लास्ट होता है जिसके अंदर चाइना के कितने इंजीनियर्स की डेथ हो गई तो करीबन बताया जा रहा है कि चाइना के टोटल छः इंजीनियर थे जिनकी डेथ हुई है इसके अलावा पाकिस्तान के जो वर्कर्स वगैरह थे उनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई है अच्छा अब आप कहेंगे वाई इज इट सो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो बिल्कुल सगे साथ ही हैं और इनके अलावा तो कोई और काम हो ही नहीं सकता और ये दोनों तो अगर खाना पीने की बात आती है या फिर मान लीजिए कि अगर छींकने की भी आवाज़ आएगी तो वो भी पाकिस्तान हमेशा चाइना से पूछ के ही करता है ये तो हम सभी लोग जानते हैं लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये यह आता है फिर ऐसा हुआ क्यों देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम क्या है तहरीक तालिबान कुछ याद आया एक तो है तालिबान ग्रुप कहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर और एक क्या है तहरीक तालिबान अभी तक फिलहाल तो किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है यही वो टेररिस्ट ग्रुप हो जिसने यहाँ पे अटैक किया हो क्यों क्योंकि ये चाहता है कि जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर रूल करना शुरू कर चुका है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर यूएसए के जो फोर्सेस थे वो सारे के सारे फोर्सेस वापस जाना शुरू हो चुके हैं तो अब यहाँ पे ये ग्रुप भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार वगैरह बनी हुई है इन सबको हटाओ यार कोई जरूरत नहीं है हम यहाँ पे रूल करेंगे तो ये जो कहानी है ना इस कहानी के चक्कर में अभी हाल ही में क्या हुआ था पाकिस्तान के टोटल पंद्रह सोल्जर्स थे जिनकी हत्या कर दी गई थी तहरीक तालिबान ग्रुप के द्वारा जो कि कहाँ का है पाकिस्तान का है तो पॉसिबिलिटीज अभी यही बताई जा रही है कि हो सकता है कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे कही न कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ हो चलो ठीक है तुम लोग खुश हो गए यहाँ पे डेला डैम जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बिल्कुल सही है ये देखो ये ऐसे रोते हुए आंसर क्यों कर रहे हो आदव की तो खुशी नहीं समझ रही है दीप्ति जी हाँ बिल्कुल सही कह रही हो कश्मीर के साथ में एक्सरसाइज होती रहती है अब आ जाओ जरा मैप में और बहुत ही कायदे से इस मैप को समझ लीजिएगा देखिए सीपेक कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये कोई ऐसा कॉरिडोर नहीं है कि आज शुरू हुआ है सीपेक कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी थी 2013 में जिसमें क्या हुआ था चाइना ने बोला था जैसे हम लोग एक वो स्लोगन पढ़ते ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा बिल्कुल उसी तरीके से चाइना ने पाकिस्तान से बोला कि तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुमको पैसा दूंगा ठीक है तो चाइना ने जब पाकिस्तान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर साइन किया जाता है जिसका नाम होता है सीपेक कॉरिडोर अब ये कॉरिडोर जो है ये विवादित है आप कहेंगे कि क्यों विवादित है आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो हमारे जो इंडिया का मैप है हमारे इंडिया के मैप में इस वाले एरिया को दिखाया जाता है और ये एरिया कौन सा है ये है पीओके अब हुआ क्या है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया बनाया जा रहा है जो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है जहाँ से ट्रेड किया जाएगा इस कॉरिडोर के अगर हम रास्ते की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है ग्वाधर से और ये पोर्ट कहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर है और ये पोर्ट इस तरीके से होते हुए यहाँ से रास्ता क्रॉस करते हुए पीओके वाले एरिया से होता हुआ जा रहा है अब तुम हमको ये बताओ कि अगर पीओके वाले एरिया से होता हुआ जाएगा तो क्या इंडिया इसको अलाउ करेगा इंडिया कभी भी इसको अलाउ नहीं करेगा तो पॉइंट यहाँ पे यही खड़ा हो चुका है कि जब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो डिस्प्यूटेड है तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो इस वाले एरिया से कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं और इंडिया ने अभी तक इसका अप्रूवल नहीं दिया है जिसकी वजह से ये जो कॉरिडोर है ये अभी तक पूरा इनका नहीं हो पाया है लेकिन ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा तो चाइना का काशगर नाम की जो जगह है वहां पे जाके इसको जोड़ा जाएगा ठीक है <coughs> चलो चलो बस आ तो जाए एक बार पाकिस्तान उसके बाद में तो तुम लोग का बस चले तो उनके घर में जाके उनसे मिलकर और पूछे और क्या हाल चाल है ना नहीं ऐसा भी नहीं करोगे शायद माइक वाइक लेके जाओगे पूछो और पूछोगे और बताइए कैसा फील हो रहा है तुम लोग को ये करोगे चलिए अच्छा तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि सीपेक कॉरिडोर दो से स्टार्ट हुआ ग्वाधर से लेके काशगढ़ तक इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी और ये जो एरिया है कहाँ से क्रॉस हो रहा है पीओके से क्रॉस हो रहा है और पीओके वाले एरिया की वजह से सारा का सारा जो खेल है वो इनका बिगड़ा हुआ है लेकिन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भाई इसी जगह पे क्यों कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि इसके बगल में जो कंट्री है उसका नाम क्या है ईरान और यहाँ पे इंडिया ने बनाया हुआ है चाबहार पोर्ट तो इंडिया के ऊपर नजर रखने के लिए जो चाइना है वो क्या कर रहा था ग्वाधर पोर्ट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा था ठीक है चलिए अच्छा अब ये तो बातें हो गई इनके बारे में अब जरा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जहां पे पाकिस्तान के बारे में बात करनी पड़ेगी है ना देखिए पहला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट है टैग टैग मतलब एक इनको क्या मिल गया इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्या है बासमती राइस अगर आपसे पूछा जाता है काला नमक राइस यूपी हो जाएगा ब्लैक राइस पूछा जाएगा या फिर सपोज करो चखाओ पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा मणिपुर के अंदर आपको मिलेगा अगला इंडियन ओरिजिन ऐसी कौन सी जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी हाल ही में पुल अवार्ड से सम्मानित किया गया क्यों ये पॉइंट आया है क्योंकि उइगर नाम की जो कम्युनिटी है चाइना के अंदर जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है इनके लिए जो जर्नलिज्म का काम किया गया था किसके द्वारा मेघा के द्वारा ये भारतीय हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेघा राज गोपालन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया अगला लिखा हुआ है कि चाइना को अभी हाल ही में डब्ल्यू के द्वारा कौन सी बीमारी से पूरी तरीके से फ्री बताया गया है तो आंसर हो जाएगा मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है और मलेरिया डे हम कब मनाते हैं

चाइना जो है वो क्या करता है पाकिस्तान के अंदर जितने भी डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं ना इन सबके लिए पैसा जो दिया जाता है जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कौन करता है वो हमेशा चाइना करता है अभी हाल ही में आपने देखा होगा एफ की लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि कहीं पढ़ाते पढ़ाते ऐसा ना हो जाए कि मेरे मुंह से निकल जाए कि एफ की लिस्ट के अंदर चाइना को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है मुझे बहुत टेंशन होती है क्योंकि ये दोनों ना ऐसे बिल्कुल बेस्टी की तरीके से रहते हैं ना चलो नेक्स्ट देखो और हाँ ये तो ध्यान है ना ये वही चिरकुट चाइना है जो, जिसने बोला था मतलब जिसने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को जब पाकिस्तान ने कहा था कि भाई इंडिया को भी एफएटीएफ की लिस्ट के अंदर होना चाहिए तो यही वो दोनों कंट्रीज हैं ठीक है थीके? अच्छा अगला सुनिएगा चाइना ने अभी हाल ही में एल यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में किस चीज का डेवलपमेंट शुरू कर दिया है तो वहां पर अपनी आर्मी को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है और सबसे बड़ी बात ये लोग सुपर सोल्जर्स बना रहे हैं कौन चाइना वाले सुपर सोल्जर्स क्या होता है आपको मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग सुपर सोल्जर्स कैसे बना रहे हैं ऐसे कर रहे हैं ये लोग कि जो सोल्जर्स वग़ैरह हैं उनकी बॉडी में किसी न किसी चीज़ को इंजेक्ट किया जा रहा है किसी न किसी चीज़ को उनकी बॉडी के अंदर डाला जा रहा है ताकि आने वाले समय में अगर कभी चाइना के सोल्जर्स को कहीं पे लड़ाई करनी पड़े तो ये लोग आराम से लड़ाई कर पाए चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी सर्दी हो कैसी भी कंडीशंस क्यों ना हो ये लोग हमेशा ही स्ट्रांग रहेंगे इनको कभी कुछ होगा ही नहीं ये तो वही वाली बात हो गई वो एक्सम मूवी में था ना वुलवरीन बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इस जगह पर ये अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाने का काम कर रहे हैं अपना एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है ठीक है चलो अगला बताओ चाइना ने अभी हाल ही में अपनी एक ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी थी आपको बताना है कि इसका नाम क्या था इसका नाम था सैटेलाइट इम्पोर्टेंट बनेगा ध्यान रखिएगा और जोरांग तो आपको होगा कि मार्स के ऊपर जो इन्होंने अपना रोवर भेजा हुआ है उसका नाम क्या है जोरोंग उसका नाम है ठीक है सूरज टीवी डे ट्वेंटी हो जाएगा एफ क्या होता है भैया ताली बजा दो जाके लिए पहले तो एफ एफ क्या होता है भाई इससे अच्छा सवाल तो दुनिया में हो ही नहीं सकता खैर आगे देखिएगा पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अपना एक यहाँ पे जो मिसाइल है उसको टेस्ट फायर किया था जिसका नाम क्या था फतेह वन और हो सकता है आपसे पूछा जाए शाहीन के बारे में तो <laughs> हाँ बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि ये लोग अमर टाइप के हो जाएंगे बिल्कुल सही कह रहे हो शाहीन नाम की जो यहाँ पे अभी एक मिसाइल थी उसको भी इन्होंने अपना टेस्ट फायर किया था और फतेह वन जो है वो भी आपको याद रखनी है इसी के साथ में आपको याद होगा कि अमन 2021 जो एक एक्सरसाइज थी उसका आयोजन भी यहां पे किया गया और भैया जो ये महान प्राणी है जिसने पूछा है एफ ए बेटा क्लास में डेली शिरकत किया करिए आपको ऐसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनके दो काम होते हैं पहला है मनी लॉन्ड्रिंग अब कहोगे ये क्या होता है मैम तो ये ये होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जो कंट्रीज कन्वर्ट करती हैं उनके ऊपर नजर रखता है दूसरा काम इसका ये होता है कि जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनको जो फंडिंग आती है उसके ऊपर नजर रखने का काम करता है ठीक है भाई चलो कोई नहीं हाँ जी अगली न्यूज चले फिर कहाँ चलना पड़ेगा अब तो चलना पड़ेगा यहाँ पे एक समिट के बारे में बात करने के लिए यू यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगले महीने होने जा रही है बैठक और मजेदार बात तो यहाँ पर यह है कि इस बार की जो बैठक है उसको हेड करेंगे कौन हमारे देश की तरफ से कुछ लोग तो आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं वो देखो सारी कहानी तो बता ही देते तुम लोग आ, 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 हाँ ठीक है मेरे को लगा कि मैंडी ने लिखा हुआ है 1988, 89 है बिल्कुल सही हाँ जी देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जितने भी जितने भी भी मेंबर्स के के नाम नाम कंट्रीज आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं आप आंसर करो तब तक मैं आपको इसकी कहानी बता देती हूँ ठीक है चलो अच्छा पहला पॉइंट सुनना जब हम यूएन की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज पंद्रह पाँच क्या है परमानेंट मेंबर्स हैं और दस क्या है नॉन परमानेंट मेंबर हैं अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो दो सालों का होता है और इसके अंदर इंडिया जो है इनका कार्यकाल अभी चल रहा है और ये आगे चल के खत्म हो जाएगा 2022 में तो अब हुआ क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये तुम लोग बता रहे हो मैं बताऊं ए होगा सोच लो सोच लो आंसर ए होगा पक्का देखिए इसके अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं चाइना फ्रांस रशिया यूके एंड यूएसए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा इसी के साथ में एक और ग्रुप भी है जिसका नाम है जी फोर इसे क्या कहते हैं इसको हम कॉफी क्लब कहते हैं ये मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है बस क्या कहते हैं इसको कॉफी क्लब कहते हैं और इसके अंदर आते हैं चार देश हमारे मतलब के क्या है सिर्फ उसकी बात करेंगे इसके अंदर इंडिया भी आता है और इसके अंदर ब्राज़ील भी आता है अब आप कहोगे कि मैम ये है क्या देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपको मेंबर्स नजर आ रहे हैं ना जो दस नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनके अंदर हर दो साल पे क्या होती है कंट्रीज चेंज होती रहती हैं ठीक है थीके? लेकिन ये जो परमानेंट मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं जो ये है, तो में से, अगर कोई भी कंट्री जाती है तो इन चार देशों में से जो कि जी के अंदर आते हैं इनमें से किसी भी देश को उठा के किसमें कर दिया जाएगा परमानेंट में कर दिया जाएगा ठीक है जब होगा तब का तब देखेंगे अच्छा सुनिएगा यहाँ पे अब क्या होने जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक होगी अगस्त 2021 में इसको वर्चुअली मोड पे हेड किया जाएगा किसके द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहला पॉइंट तो ये दूसरा पॉइंट जब यहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं इनके जब बैठक का आयोजन किया जाएगा तो इसको हेड किया जाएगा एस जे शंकर जी के द्वारा जिनकी पोस्ट को अभी तक चेंज नहीं किया गया इनके पास में वही वाली पोस्ट है अब देखो यहाँ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझना देखिए क्या है इंडिया जो है वो इसका नॉन परमानेंट मेंबर है तो अब नॉन परमानेंट मेंबर है मेंबर तो है ना बस यही तो खुशी है क्या है यही तो खुशी है इसी खुशी में अगस्त में जब बैठक होगी 2021 की तब इंडिया इसको क्या करने वाला है हेड करने वाला है इसी खुशी में है बाकी और कुछ भी नहीं है जस्ट खुशी समझ रहे हो खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वैसे तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छा अगला पॉइंट अगर आपसे कहा जाता है कि यू के अंदर इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम क्या है उनका नाम है टी एस त्रिमूर्ति जी आपको ये नाम पता होना चाहिए सेकेंड पॉइंट जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे तो ये भी आप यहाँ से जान लीजिएगा कि इसको जब पहले बनाया गया था तो लीग ऑफ नेशंस के नाम से इसको जाना जाता था आगे चल के 1945 में इसका नाम क्या रखा गया यूएन रखा गया यूएन डे कब मनाते हैं ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है और साथ में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है न्यूयॉर्क के अंदर है क्लास में एंटोनियो ग्यूचरेस आए हैं क्या अब है वेरी गुड सूरज ओह खुशी किसी लड़की का नाम होगा हमें क्या करना है चलो अच्छा यहाँ पे न्यूयॉर्क हो गया और अगला पॉइंट क्या निकल के आएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है तो एंटोनियो ग्यूड्रेस प्रेजेंट टाइम के इसके हेड हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया तो अभी फिलहाल यही इसको हेड करने वाले हैं अगला पॉइंट जब हम यूएन की बात कर ही रहे तो ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर टोटल कितनी बॉडीज होती हैं टोटल बॉडीज़ होती हैं। इसके अंदर टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? टोटल छः भाषाएं इसके अंदर बोली जाती हैं अब अगर तुमसे कोई ये कहता है कि ये बताओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो सबसे पहले हेड बने थे उनका नाम क्या था उनका नाम था पॉल हेनरी क्या नाम था पॉल हेनरी ये सवाल आपके पूछा गया था रेलवे के अंदर तो बी प्रिपेयर ठीक है अच्छा और बातें सुन लो यहीं पर अब जब हमने यू की तो बात कर ही ली है लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी ना तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में तो ये ध्यान रखिएगा सितंबर 2021 में 76 नंबर की बैठक का आयोजन होगा जिसको हेड कौन करेंगे जिसको हेड किया जाएगा अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा अब ये अब्दुल्ला शाहिद कौन है तो सेप्टेम्बर दो में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो प्रेसिडेंट बन जाएंगे वो कौन है अब्दुल्ला शाहिद कहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये मालदीव से बिलोंग करते हैं और अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है नेक्स्ट पॉइंट इसका भी हेडक्वाटर कहाँ पर है न्यूयॉर्क के अंदर इसका भी आपको हेडक्वार्टर मिलेगा अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है वो ये हो जाएगा कि ये बताओ यू के अंदर सबसे पहली बार हिंदी किसने बोली थी और कसम से बता रहे हैं ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं आंसर क्या हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरा सवाल यूनाइटेड नेशन के अंदर हिंदी को भी एक लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए किसने बोला था तो ये कौन हो जाएंगे सुषमा स्वराज जी ने ऐसा बोला था अगला पॉइंट यहां से क्या निकल के आएगा सबसे पहली पर्सन यूएन के अंदर भारतीय आंसर क्या हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित इज द राइट आंसर ठीक है चलो अच्छा न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर राइट है अब देखो यहाँ पे सवाल और क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है आ, ये लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं भाई एक बार से सेशन को लाइक कर दिया करो मतलब मैं कहना भूल जाती हूँ तो तुम लोग ये काम करना भूल जाते हो गाइस सेशन को लाइक कर दिया करिए बिकॉज दिस इज द ओनली मोटिवेशन यही एक ऐसी चीज होती है जो हर एक एजुकेटर को क्या करती है मोटिवेटेड रखती है तो एक बार से लाइक कर दिया करो ठीक है अब देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अध्यक्ष कौन तो मैंने अभी आपको बता दिया अब्दुल्ला शाहिद है शाहिद कपूर ना मार्क कराना अगला पॉइंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बहुत ही कायदे से सुनने वाला ये पॉइंट है ध्यान से सुनिएगा जब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में जब भी आपसे कहा जाएगा यूएन तो यूएन के अंदर टोटल छह बॉडीज आती हैं। लेकिन यूएन के अंदर आईसीजे आता है क्रिमिनल कोर्ट आता है आईसीसी जो है वो इसका हिस्सा नहीं है लेकिन इसको और किस नाम से जाना जाता है तो ये ध्यान रखिएगा चाहे आईसीजे हो या आईसीसी हो दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है हेग के अंदर है लेकिन अगर हम क्रिकेट काउंसिल की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दुबई के अंदर है अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है तो सुनो इसका दूसरा नाम है रोम स्टैच्यू क्या नाम है इसका रोम स्टैच्यू एंड ये क्वेश्चन जो है ये एनडीए ने भी पूछा हुआ है सीडीएस ने भी और यूपीएससी ने भी सो बी प्रिपेयर रोम स्टैच्यू के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि रोम के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1998 में जब आईसीसी की स्थापना करी गई थी प्लीज ध्यान रखना हम क्रिकेट काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है विश यू हैप्पी वाला बर्थडे अगला सुनिएगा पॉइंट यहां से क्या है ऑर्डर ऑफ जायद ये अवार्ड जो है ये किसको दिया गया था तो यूएई की तरफ से ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो है ये मोदी जी को पहले दिया गया था लेकिन अभी हाल ही में एंटोनियो ग्यूटरस को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंपॉर्टेंट नाम है अगला सुनिए डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी हाल ही में कौन सी फीमेल हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है तो इनका नाम क्या हो जाएगा अरे वही हैं जो नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं दिखाई थी तो तुमको फोटो याद ही नहीं होगा क्या नाम था नगोजी ओकानजो क्या नाम था नगोजी ओकानजो ठीक है नेक्स्ट सुनिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया के अंदर जो है उसके अभी हाल ही में चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अरुण कुमार जी का अपॉइंटमेंट यहां पर किया गया है. रिसेंटली जो सी है यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हमारे देश के अंदर है अगर आपसे ये कहा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन बनाए गए हैं तो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है सुरेश एन पटेल जी का तो ये कुछ नाम है जो आपको क्या करने यहाँ से रट्टा मार के रखने ठीक है चलिए अच्छा अगली न्यूज़ मैंने बोला था आज इंटरनेशनल न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही है उसके बाद में नेशनल न्यूज़ आएगी और फिर आपकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आएगी और आगे पता है एक और न्यूज़ खतरनाक वाली भैया एक रेलवे स्टेशन के ऊपर रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या है होटल वो भी फाइव स्टार होटल तो तैयार है ना वहां पे हम लोग घूमने चलेंगे हाँ जी अगली न्यूज है कि इंडिया जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहा है और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा इसमें टोटल कितना खर्चा आने जा रहा है वन पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा आ जाओ सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा जो कि भारत का है इसके द्वारा इतना पैसा खर्चा करके अभी हाल ही में कहाँ पे थर्मल प्रोजेक्ट नहीं है ये ध्यान से सुनना दिस इज नॉट अ थर्मल प्रोजेक्ट ये किसके लिए है इरिगेशन के लिए है सिंचाई के लिए कहाँ पे डेवलप होगा नेपाल के अंदर मतलब ये तो वही वाली बात है कि एक तरफ तो ये हमारी पीठ में छुरा भोगने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं लेकिन दूसरी तरफ इंडिया जो है वो हमेशा इनका क्या करता रहता है काम करता संत नाम कमीशन बहुत बढ़िया इनका काम करता रहता है तो पहले तो तुम ये बताओ हमारा नेता कैसा हो नहीं नहीं आप ये बताओ नेपाल के पीएम का नाम क्या है चलिए समझिएगा इस पूरी कहानी को इंडिया ने बोला है कि हम इतना जो पैसा है वो अब खर्चा करने जा रहे हैं किसके ऊपर नेपाल के ऊपर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठीक है इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये नेपाल के अंदर बनाया जाएगा और इंडिया अभी इसके लिए बात कर रहा है तो अब इसको अप्रूवल मिल चुका है मैं आपको हमेशा पहले से न्यूज बता देती हूं जो मेरे सामने कभी भी आती है ताकि आप इन फ्यूचर जब भी वो न्यूज आए तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज रहे कि हाँ ऐसा हमने सुना था ओली जी हैं इसको कोई नेपाल क्यों नहीं ने भेज देता है ओली जी बता रहा है सुनिएगा तो यहाँ पे अरुण नाम का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप किया जाएगा और ये कितनी एनर्जी को यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाला है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा याद रखना है अरे भूल जाओ इसको लेकिन कौन सी नदी के ऊपर होगा तो अरुण नदी के ऊपर इसको डेवलप किया जाएगा डेवलप करेगा कौन तो सतलज जल विद्युत निगम जो कि भारत के लिए काम करता है इनके द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा बहुत अच्छी बात है लेकिन पता है इसमें खास बात है वो क्या है ये बोट मॉडल के ऊपर काम करेगा आप कहेंगे ये कैसा मॉडल है इसका मतलब होता है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल ये क्या करता है जैसे कि मान लो सपोज करो जैसे कि शादियाँ होती हैं ना शादिया में आपने देखा होगा कि आ, प्लेटिंग सिस्टम होता है कि मतलब दिस नंबर ऑफ प्लेट इतने नंबर ऑफ प्लेट वहाँ पर डिसाइड कर लिए जाते हैं कि भाई इतने ही लोग हमारे यहाँ पे खाना खाने के लिए आएंगे लेकिन आप तो जानते ही है कि किसी भी घर में से अगर हम उम्मीद करके बैठते हैं कि दो लोग आएंगे तो वो इंसान क्या करता है अपने पड़ोसी को भी लेकर आता है और गलती से अगर उसके घर के अंदर कोई रिश्तेदार भी आ गया है तो मान के चलो भैया कि वो रिश्तेदार भी आपके यहाँ पे खाना खाने आएगा ही आएगा है ना तो आपने देखा होगा प्लेटिंग सिस्टम होता है अब उस प्लेटिंग सिस्टम में आपको तो कुछ नहीं करना है आपने बता दिया कि भाई इतने नंबर ऑफ प्लेट जो है वो खाना सर्व किया जाएगा उसी तरीके से बोट मॉडल है इसमें क्या होगा कि ये जो प्राइवेट कंपनी आगे चल के इसको कंस्ट्रक्ट करेगी ये कंपनी क्या करेगी खुद ही कंस्ट्रक्शन करेगी खुद ही पैसा लगाएगी और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसको एक बार चेक करने का काम भी यही करेगी और इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत भी आती है तो उसको सॉल्व करने का काम भी जो है वो भी यही करेगी मतलब यहां पे इंडिया ने एक बार से ये कॉन्ट्रैक्ट अगर दे दिया है सतलज को तो ये कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में अब सारा का सारा जो काम है वो इनको ही करना है इंडिया पलट के इसके ऊपर कोई भी रिस्पांस नहीं करेगा सारी जिम्मेदारी इनकी होगी ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम बोट मॉडल कहते हैं लेकिन पता ये मॉडल कहां से शुरू हुआ आप कहोगे कि मैम आप झूठ बोल रहे हो अरे सच में यार चाइना से स्टार्ट हुआ है चाइना के अगर हम बात करें तो चाइना ने एक होटल बनाया था हांगकांग के अंदर और सोचो तो कम से कम कौन से टाइम पीरियड से समझ रहे हो 1979 से इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं बट इंडिया पहली बार इस तरीके के प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप करने जा रहा है लेकिन ये भी आपको बता दें यहाँ पर कि नेपाल के अंदर ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क होने जा रहा है ये कुछ ऐसा नहीं है कि पहला कंस्ट्रक्शन वर्क है इससे पहले भी इंडिया जो है वो यहाँ पे सप्तकोशी जो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप कर चुका है और ये भी क्या है रिवर है कहाँ की नेपाल की लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है जो अरुण रिवर है अरुण रिवर कहाँ है नेपाल के अंदर है और ये किसकी टिब्यूटरी है किसकी सहायक नदी है तो आप आंसर करेंगे ये सप्तकोशी की टिब्यूटरी है ये किसकी टिब्यूटरी है सप्त कोशी की टिब्यूटरी है आ जाओ चले जी हमारा नेता कैसा हो बिल्कुल इनके जैसा हो सुनो बेचारे ओली जी का जो दर्द है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बुलावा भेज दिया किसको यहाँ की जो प्रेसिडेंट थी विद्या देवी भंडारी जी को और विद्या देवी भंडारी जी को यहाँ पे बुलावा भेजने के बाद में यहाँ पे नए पीएम का अपॉइंटमेंट किया गया इनका नाम क्या है शेर बहादुर इनका नाम है जो कि नए पीएम बन चुके हैं कहाँ के नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमिटी बनाई गई थी उस कमेटी के हेड कौन थे जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि भाई अब क्या होना चाहिए नया राष्ट्रपति होना चाहिए तो इनका नाम यहाँ पे क्या है इनका नाम चाइना क्यों इतना एडवांस है देखो चाइना एडवांस इसलिए है हम मतलब इंडिया और चाइना ये दोनों ही जो कंट्रीज है ना जब इंडिपेंडेंट हुए थे हुए तो साथ में ही थे डेवलपमेंट वर्क या फिर फाइनेंशियल या तो ट्रेड है किया तो हम लोगों ने साथ में ही थी शुरुआत लेकिन चाइना ने क्या किया अपने देश के अंदर पहले क्या करना शुरू किया पहले उन्होंने अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन बनाना शुरू कर दिए थे बजाय इसके कि हम अपना पहले घर देखते यही गलती हुई थी जब भी आप आई के बारे में पढ़ोगे जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे आपको ये चीज़ हमेशा देखने को मिलेगी ठीक है चलिए अच्छा तो इनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किया गया है लेकिन एक चीज यहाँ से बहुत ही कायदे से सुन लीजिएगा और ध्यान रखिएगा चलो यहीं पर बता देते हैं ये जो अरुण रिवर मैंने आपको बोली है ना इस रिवर के बारे में यह ध्यान रखना कि यह जो रिवर है यह नेपाल की है और सप्तकोशी की क्या है टिब्यूटरी है बहुत अच्छी बात है लेकिन यह जो रिवर है यह तिब्बत की तरफ भी जाती है और तिब्बत की तरफ जब जाती है तो इसका जो नाम है इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम क्या बन जाता है मेन क्यू क्या बन जाता है मेन क्यू तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा को नेपाल में अरुण कोसी से भी जाना जाता है भूमिका इस पॉइंट पे आ रहे हैं अभी ठीक है सुनो तो तिब्बत के अंदर इस रिवर को अरुण रिवर को क्या कहते हैं मेन क्यू के नाम से भी जाना जाता है अब इंडिया के अंदर एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है कोसी रिवर ये जो कोसी रिवर है अगर आप देखेंगे तो ये कोसी रिवर भी किसकी टिब्यूटरी है अरुण की ही टिब्यूटरी है और इसी कोसी नदी को बोला जाता है ऑफ बिहार बिहार यानी कि के के शोक के नाम से इसको जाना जाता है है ठीक प्लीज याद रखना सवाल कैसा भी आपसे पूछ सकते हैं अब देखो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं रिवर्स हैं और कौन कौन से स्टेट में ये काम करता है वो पूरी लिस्ट आपके सामने सना यस आई कैन बहुत बढ़िया आर्टिकल नंबर सेवेंटी सिक्स विकास को आर्टिकल नंबर भी याद है सुनो क्या है बना सागर प्रोजेक्ट ये कौन सी नदी के ऊपर है सोन नदी के ऊपर बिहार यूपी और एमपी इन तीनों स्टेट को यह सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का काम करता है यानी कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है अगला भाकरा नागल प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर सतलज नदी के ऊपर है ये पंजाब हिमाचल हरियाणा और राजस्थान इन चार राज्यों को पानी की सुविधाएं पहुंचाता है अगला दामोदर वैली प्रोजेक्ट अगर आपसे कोई कहता है दामोदर नदी के बारे में तो वेस्ट बंगाल को के अंदर इसको सौरों ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है यानी कि पश्चिम बंगाल के क्या शोक के रूप में इसको जाना जाता है अब ये कौन सी नदी के ऊपर है दामोदर नदी के ऊपर है किसको किसको ये वाटर सप्लाई करता है तो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों को ये वाटर सप्लाई करता है अगला फरक्का बैराज या फिर फरक्का प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर है गंगा और भागीरथी नदी के ऊपर ये कहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर इसको डेवलप किया गया अगला हीरा डैम महानदी और उड़ीसा हीरा डैम तो आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये अर्थन डैम है एंड इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ठीक है गाय सेशन को एक बार से प्लीज शेयर कर दियो है ना सेशन को एक बार से शेयर कर दिया करो ये चीज मेरे को बोलनी पड़ती है और बोरिस जॉनसन के पीछे तुम लोग क्यों पड़े हुए हो यार कल बोरिस जॉनसन की बात करी थी ना अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे हैव सम पेशेंस तेहरी डैम जो है ये भागीरथी नदी के ऊपर है और ये सबसे ऊंचा बांध है हमारे देश के अंदर उत्तराखंड में अगला है तिलैया प्रोजेक्ट ये कहाँ है ये बराकार नदी के ऊपर झारखंड के अंदर लोकेटेड है ठीक है चलो अच्छा अगली न्यूज की तरफ चलते हैं भीम यूपीआई पेमेंट अच्छा मुझे ये बताओ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में कौन सा सबसे पहला ऐसा देश बन गया है जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे हम यूपीआई कहते हैं इसके अंदर भीम ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इस भीम ऐप के अंदर आपको क्यू आर कोड देखने को मिलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भूटान इज द राइट आंसर हिमांशु महिमा करेक्ट है हेरियन के डी बिल्कुल सही है तो इसका आंसर क्या है भूटान तो चलो पहले चलते हैं तुमको भूटान में लेके और हुआ क्या है पूरी इंफॉर्मेशन इसको जानो देखिए हुआ क्या है पूरी दुनिया का सबसे पहला एक ऐसा देश यहाँ पे बन के सामने आया है जो क्या करेगा इंडिया के जो यूपीआई सिस्टम है इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन मोड पे आप पेमेंट करते हो ना आप भीम ऐप का इस्तेमाल करते हो तो ये जो भीम ऐप है इसको अब यूज़ किया जाएगा कहाँ पे भूटान के अंदर भाई भूटान के अंदर एक तो इतनी ज़्यादा आबादी है नहीं कि इसका इस्तेमाल किया जाए लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा भूटान वही कंट्री है जहाँ पे भी कुछ टाइम पहले ये भी कहा गया था कि जो रुपए कार्ड होंगे इन रुपए कार्ड का इस्तेमाल जो है वो भी भूटान के अंदर किया जाता है तो आप अगर कभी भूटान जाए तो भूटान में आप भीम ऐप भी यूज कर सकते हैं और रुपए कार्ड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं अब आप कहेंगे कि मैम इसमें अनोखा क्या है देखो ये जो भीम ऐप है ना अभी तक आप इससे क्या करते थे ट्रांजेक्शन करते थे है ना अब आप क्या करोगे क्यू कोड जिसे हम क्या कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कहते हैं इस कोड को आप स्कैन करोगे और तुरंत से आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा इसको डेवलप किया गया है यूपीआई सिस्टम के अंदर जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेपर के अंदर इसके फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं लेकिन पेपर के अंदर अब की बार जो सवाल आएगा वो पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम भीम का फुल फॉर्म क्या है तो भीम का जो फुल फॉर्म है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या है भारत इंटरफेस फॉर मनी लेकिन एक बात को जरा ध्यान दीजिएगा मैंने आपको ये बोला कि जो भीम ऐप है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी दुनिया की सबसे पहली ये कंट्री बन गई लेकिन यहीं पे आपका सवाल आना चाहिए था कि मैम पूरे देश पूरी दुनिया की यही एक कंट्री है क्या जी नहीं इससे पहले एक कंट्री और है जहां पे ये लागू हो चुका है और वो कंट्री है सिंगापुर आप कहेंगे तो फिर मैम आपने इसको पहला क्यों बोला सुनो इसको पहला मैंने इसलिए बोला क्योंकि सिंगापुर के अंदर भीम ऐप तो इस्तेमाल होता है लेकिन वहां पर क्यू कोड की फैसिलिटी नहीं है क्या नहीं है एक छोटा भीम नहीं चल रहा है यहाँ पर किसकी फैसिलिटी नहीं है क्यू कोड की फैसिलिटी नहीं है है समझ गए गंगा बैराज नहीं फरक्का बैराज बोलते हैं बच्चा शुभम तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कहा जाता है कि सिर्फ भीम ऐप तो आप आंसर सिंगापुर करोगे लेकिन भीम ऐप के साथ में अगर क्विक रिस्पांस पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या करके आएंगे यहां पर उस कंडीशन में आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भूटान इसका आंसर बनेगा अब सुनो इसको डेवलप किया गया था एन के द्वारा यानी कि जो भीम ऐप है जिसकी शुरुआत 2016 में होती है भारत के अंदर जो टोटल 20 भाषाओं में काम करता है एन के हिसाब से अगर देखें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी इनकी जिम्मेदारी थी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है इसको बढ़ावा दिया जा सके और अब इसको बढ़ावा दिया जा चुका है ठीक है चलिए अच्छा ये तो हो गया यहाँ पे पहला और दूसरा लेकिन ये जो हादसा हुआ है हाँ बिल्कुल सही है रॉयल मानस बिल्कुल करेक्ट है ये देखो आरबीआई ने क्या किया है आरबीआई ने मास्टर कार्ड के ऊपर पूरी तरीके से लगा दिया है प्रतिबंध लेकिन सुनिएगा इसके बारे में एक और बात जो आपके काम की बात है वो आपको बता दें अगर आपसे भूटान से एक दो क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछेगा आपसे पूछ लेगा इसकी कैपिटल बता दो पटाख से आंसर कर देना थिंपू हो जाएगी आपसे पूछा जाएगा दंतक प्रोग्राम कहाँ का था वो भी इंडिया की तरफ से बी आरओ की तरफ से भूटान के अंदर चलाया गया था फिर आपसे पूछा जाए कि हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर जैसे हमारे यहाँ पे जीडीपी होता है ना उसी तरीके से इसको कहां पे कैलकुलेट किया जाता है तो इसको कैलकुलेट किया जाता है भूटान के अंदर ठीक है ना ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो वो स्टैटिक का पार्ट कहलाता है अब सुनो आरबीआई ने ऐसे धोखा कर दिया किसके साथ में मास्टर कार्ड के साथ में जरा बताना तो मास्टर कार्ड कितने लोगों के पास है देखो कितने लोगों का दर्द निकल के आएगा अब हुआ क्या सुनिए मास्टरकार्ड एंड वीजा ये दोनों जो हैं ये दोनों ही अमेरिका के कार्ड्स हैं आरबीआई ने बोला है कि जो मास्टर कार्ड है वो अभी तक क्या कर रहा था जितना भी डेटा था किसी भी इंडियन का जैसे कि मान लो कि आप में से ललित है ठीक है या दीपिका है दोनों में से दोनों या दोनों के पास ही चलो दोनों लोगों के पास में क्या है मास्टर कार्ड है दोनों लोग मास्टर कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे बहुत अच्छी बात है लेकिन ये जो मास्टर कार्ड है ये है तो यूएसए का तो यूएसए की ये जो कंपनी है इसकी जिम्मेदारी बनती है कि दीपिका ने या फिर ललित ने जो पैसा लिया है या फिर जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया या जो डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया है इसका जो पूरा डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा मास्टर कार्ड के पास में होना चाहिए था ठीक है लेकिन हुआ क्या 2018 से लेके 2021 तक का जो डेटा है किसका इन सारे के सारे कस्टमर्स का जो कि मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उनका कोई भी डेटा इनके पास में नहीं है समझ रहे हो मतलब इतनी बड़ी कंपनी है और इनके पास में डेटा ही नहीं है कि कौन कितना ट्रांजेक्शन करता है इसी के चलते आरबीआई ने कहा कि बेटा तुम रुक जाओ अभी तो हम ट्विटर से परेशान थे लेकिन अब हम किससे परेशान होने जा रहे हैं अब हम मास्टर कार्ड से परेशान हो चुके हैं तो आरबीआई ने इनके ऊपर लगा दिया है बैन अब ये कोई भी नया डेबिट कार्ड कोई भी नया क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरीके से कोई भी जो कार्ड है वो यहाँ पे इनके द्वारा स्टार्ट नहीं किया जाएगा यानी कि जो पुराने कस्टमर हैं वो अपना कार्ड यूज कर सकते हैं लेकिन कोई भी नया कार्ड जो है वो इशू नहीं किया जाएगा अच्छा आर के बारे में आपको जितने पॉइंट्स मालूम है कमेंट बॉक्स में एक बार से छापना चालू कर दो देखो ब्रांड है धूनी <laughs> सही कह रहे हो देखो धुनी भैया की बात नहीं करनी अभी क्योंकि अभी आगे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है वहां बात करेंगे आरबीआई की जब हम बात करेंगे तो जब आरबीआई को बनाया गया था तो कोलकाता के अंदर बनाया गया था और मुंबई के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में का हेडक्वार्टर है अगर कहा जाता है कि कब बना था तो नाइनटीन में बना था नाइनटीन में एक्ट आया था और इसके सबसे पहले जो हेड बने थे वो ओ स्मिथ बने थे लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद में ये ध्यान रखेगा सी डी देशमुख जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी और अभी प्रेजेंट टाइम में ट्वेंटी फिफ्थ नंबर के शक्तिकांत दास जी इसके प्रेजेंट टाइम पे क्या है गवर्नर है इसके अंदर टोटल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल चार होते हैं ठीक है कितने होते हैं टोटल चार आ, ठीक है भाई पढ़ ले ज्यादा काम आएगा समझ गए तो ये ध्यान रखना कि ऐसी चीजें यहाँ पर करी गई हैं अब देखो अगली न्यूज जो है वो है यूएई के बारे में किसके बारे में यूएई के बारे में है क्या हुआ है यूएई के अंदर यूए सबसे पहला ऐसा गल्फ कंट्री बन गया है जो जा रहा है अपनी एम्बेसी ओपन करने के लिए कहाँ पर इसराइल के अंदर कहाँ पर इसराइल के अंदर आप सुनो कहानी पहले कायदे से यूए जो है यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है ये सबसे पहली गल्फ कंट्री बन गई है जो अपनी एम्बेसी खोलेगा इसराइल में बिल्कुल सही लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी बाई आरबीआई करेक्ट है दूसरा लिखा हुआ है कि जो यू है इसका यहाँ पे जब अपनी एम्बेसी एक ओपन कर देगा इसराइल के अंदर इससे क्या होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इससे ट्रेड बढ़ेगा बिल्कुल सही बात है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बोध देंट आप करेक्ट ठीक है आप सुनो यहाँ पे हुआ क्या मुझे याद आया ये जो यहाँ पे कोलगेट की स्माइल आप देख रहे हैं सारा काम इन्हीं का किया गया हिल्टन कमीशन बिल्कुल सही है सारा काम इन्हीं का किया गया देखो आपको याद होगा वंस अपॉन अ टाइम एक शब्द आया था इब्राहिम कुछ याद आया ये वही है जिसको साइन कराया था किसने डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े दिनों के बाद में आपको ये नाम यहां पे देखने को मिल रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे जब इब्राहिम था तो ये अब्राहिम एक और इसराइल के बीच में साइन कराया गया था क्यों साइन कराया था तो इसलिए साइन कराया गया था ताकि यूए और इसराइल के बीच में जो रिश्ते नातेदारी है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जा सके और अब यही काम यहाँ पे किया जब गया था तो उसी समय पर यूएई ने कहा था कि हम एक एम्बेसी ओपन करेंगे इसराइल के अंदर और अब वो एम्बेसी ओपन कर दी गई है चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन हमारे

इजिप्ट बन जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि सब लोग यहाँ पे पहली पहली डील जो है ये जो पहली पहली मोहब्बत है वो इसराइल के साथ में क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे इसराइल जो था ना वो कोई देश नहीं था इसराइल जो था ये कोई भी कंट्री वंट्री नहीं थी इन्होंने क्या किया है इन्होंने तो पैलस्तीन की जगह को हड़पा है ना तो धीरे धीरे करते करते इसराइल जो है वो एक नया क्या देश बन के खड़ा होता है तो इसराइल जो है पहले इसको कोई भी अरब कंट्री एक कंट्री का दर्जा नहीं देती थी इसीलिए कोई भी कंट्री इनके साथ में कोई ट्रेड नहीं करती थी लेकिन अब क्या हो गया यूएई ने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया है अब सुनो इसराइल के बारे में पहले कुछ पॉइंट इजराइल के अंदर जो पीएम अपॉइंट हुए हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर फटाक से आंसर करके बताओ एमबीसी का मतलब होता है ऑफिस जैसे कि सपोज करो हमारे क्लास में शुभम है शुभम को हमने बना दिया पीएम ऑफ इंडिया और शुभम गए यूएई के अंदर और वहां पे जाके बोल के आए कि हम आपके यहां पे एक एंबेसी बनाएंगे एंबेसी का मतलब हो गया कि एक ऑफिस इंडिया का खोला जाएगा यूएई के अंदर ताकि वो लोग जो यूएई के अंदर रहते हैं अगर उनको कोई समस्या होती है या फिर अगर कोई ट्रेड करना है कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उस एम्बेसी के अंदर जाएंगे ठीक है सुनिए इसराइल के बारे में सबसे पहला पॉइंट इसकी कैपिटल जेरोसलम यहीं पे आपको तेल एवीव नाम की जगह मिलेगी ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है अभी हाल ही में अल अक्षका नाम का जो मॉस्क्यू था एक जो मस्जिद थी जिसके ऊपर अटैक किया गया था जराइल इंडिपेंडेंट कब हुआ था तो 1948 में ये अलग होता है और यहाँ पे ज्यूस की जो आबादी है वो आपको देखने को मिलती है यहाँ के अभी हाल ही में जो पीएम अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम क्या है नफथाली बैनेट इनका नाम है अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट किया गया बहुत बढ़िया चलो अच्छा अब चलते हैं कहाँ पर ये रहा यूए और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यूए तो यू के बारे में जरा कुछ बातें जो तुमको मालूम है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना चालू कर दीजिएगा देखो सबसे पहला पॉइंट यूए की कैपिटल क्या हो जाएगी अबू धाबी ठीक है यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी वाली जगह कौन सी है दुबई है मैंने आपको बताया था कि दुबई के अंदर भेजा जाएगा मिश्री चेरी और ये क्या है इसको जीआई टैग मिला हुआ है कहां से जम्मू एंड कश्मीर से अगला पॉइंट इधर के साइड पे आके लिखिएगा यहाँ पे रिसेंटली आईपीएल के जो बचे हुए मैचेस हैं उनका आयोजन किया जाएगा और इसके साथ में ये ध्यान रखना कि टी के जो मैचेस होने थे 2021 जिसका आयोजन भारत में होना था वो भी यहीं पर किया जाएगा बुर्ज खलीफा अब गाना मत गाने लगना प्लीज बुर्ज खलीफा जो है वो भी आपको इसी जगह पे मिलता है क्याल हॉस्पिटल भी यहीं पर लोकेटेड है इसके साथ में सेल्फी म्यूजियम भी आपको यहीं पे मिलेगा जो सारा सेल्फी लेने में यकीन रखते हैं ना उन लोग को तो यहीं पे शिफ्ट कर देना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है अगर आपसे कहा जाता है यूए के बारे में तो थर्टींथ एडिशन जो आईपीएल का हुआ था वो भी यहीं हुआ था जिसके अंदर ऑरेंज कैप जो गई थी वो के एल राहुल को गई थी और पर्पल कैप जो है वो रवाड़ा को गई थी तो इतने पॉइंट्स हो जाएंगे यूए के साथ में जुड़े हुए ठीक है ये देखो आज होने जा रहा है शुभारंभ किसका नरेंद्र मोदी जी शुरुआत करने जा रहे हैं कन्वेंशन सेंटर की और ये कन्वेंशन सेंटर जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और कहाँ पे बनाया जा रहा है उनकी बात कर लेते हैं बेटा <laughs> चाइना में अब इलेक्शंस होंगे ही नहीं भूल गए आप चाइना के अंदर कोई दूसरी पार्टी नहीं है ना वहाँ पे तो वन पार्टी सिस्टम है तो इलेक्शंस वहाँ पे कभी नहीं होंगे बस जिंगपिंग बैठे हैं तो वो बैठे रहेंगे ठीक है चलो हाँ कॉप ट्वेंटी का आयोजन भी यहीं पर होगा बहुत बढ़िया सुनिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आज एक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं कन्वेंशन सेंटर क्या होता है अरे बचपन में वो नहीं किए हो तुम लोग जैसे कि स्कूल में प्रोग्राम वगैरह हुआ करते थे तो वहाँ पे हॉल वगैरह बुक किया जाता था सभी लोगों को बुलाया जाता था सारे पेरेंट्स आते थे और हम लोग जाके वहाँ परफॉर्म करते थे तो ऐसे ही होता है कन्वेंशन सेंटर कि मतलब एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई मीटिंग वीटिंग होनी होगी तो उसका आयोजन वहाँ पे किया जाएगा और इसका नाम तो देखो क्या रखा है रुद्राक्ष क्या नाम है रुद्राक्ष तो ये कहा होगा समझ गए या बताना पड़ेगा वाराणसी पे वाराणसी के अन... बिल्कुल सही है सरिता बिल्कुल सही आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है वाराणसी के अंदर इसको ओपन किया जाएगा पहले देख लो कैसा लग रहा है सही लग रहा है ना जबरदस्त लग रहा है अच्छा एक बार यहां से भी देख लो अब बताओ कैसा लग रहा है अब तो जबरदस्त लग रहा है ना चलो एक बार लाइक करो इसी बात पे सेशन को फटाक से सुनो अच्छा तो अब क्या होने जा रहा है सुनिएगा आज तारीख कितनी है पंद्रह जुलाई तो जितने लोगों का आज हैप्पी वाला बर्थडे पहले तो सबको हैप्पी वाला बर्थडे क्योंकि आज तो माए फादर का भी हैप्पी वाला बर्थडे है तो फिफ्टीन ऑफ तो जुलाई आज का दिन है और आज नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आने जा रहे हैं कहाँ पर वाराणसी के अंदर इसको इनोग्रेट करने के लिए और इसको जो इनोग्रेट किया जाएगा इसका नाम याद रखिएगा इसका नाम क्या है यहाँ पे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आप कहेंगे कि ये नाम क्यों रखा गया है ये नाम इसलिए रखा गया है रुद्राक्ष क्योंकि यहां पे रुद्राक्ष को लगाया गया मतलब जो डेकोरेशन होता है ना जो वॉल पे डेकोरेशन होता है उसके ऊपर रुद्राक्ष को लगाया गया टोटल कितने 108 सौ आठ और आपको पता है इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल जापान के अंदर जैसे कन्वेंशन सेंटर होते ना बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन किया गया है तो कहा जा रहा है कि हमने इसको इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया है ताकि इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो और भी ज़्यादा क्या हो सके और भी ज़्यादा गहरी हो सके ये दो स्टोरी है मतलब फर्स्ट फ्लोर एंड द सेकेंड फ्लोर इतना ही बना है और इसका जो टॉप फ्लोर बना हुआ है ना वो बिल्कुल शिवलिंग की तरीके से बना है जाना पड़ेगा तो तो लग रहा है तो वाराणसी जाना पड़ेगा किस तरीके से बना हुआ है शिवलिंग की तरीके से बना हुआ है देखो ना लग रहा है ना कितना खूबसूरत है ये देख रहे हो ये टॉप फ्लोर जो आपको इसका नजर आ रहा है ये कैसा है शिवलिंग की तरीके से बनाया गया है इसमें अच्छा टोटल कितने लोग आ सकते हैं टोटल यहाँ पे 1200 लोग आ सकते हैं और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी है यहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी मतलब यू कैन गो एंड एंजॉय मतलब यहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हो ऐसी एक सुविधा भी आपको दी गई है इसके साथ में जब रात होगी तो यहाँ पे एल लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा इसको और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए तो आज जब मोदी जी आएंगे तो पहले तो इसका उद्घाटन किया जाएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू बस दुआएं बनाए रखिएगा चलिए अच्छा तो पहले तो इसका इनोग्रेशन किया जाएगा उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी जाएंगे कहाँ पे बी एच यू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बी एच यू की बात करी जाए तो इसको बनाया गया था 1916 में और इसको जब बनाया गया था तो मदन मोहल मालविया जी का नाम और इसके साथ में एनी बेसेंट का नाम ये दोनों नाम आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा मोदी जी यहाँ पर भी जाएंगे और जब हम वाराणसी बोलते हैं तो ये तो मालूम है ना कि वाराणसी काशी विश्वनाथ टेम्पल यहीं पर मिलेगा वाराणसी के अंदर आपको गंगा घाट देखने को मिलता है और इस गंगा घाट को अभी हाल ही में यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर जोड़ा गया है यहीं पे आपको सारनाथ मिलता है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी के द्वारा क्या किया गया था सबसे पहला सेरमोन यानी कि सबसे पहली स्पीच दी गई थी इनके द्वारा और यहाँ पे टोटल 2000 मंदिर पाए जाते हैं कहा वाराणसी के अंदर तो एक बार जोर से बोलो क्या जय महाकाल और क्या चलो बच्चा सुनो अब मुझे ये बताना आपके सामने शहर के नाम है स्टेट के नाम है कौन सी रिवर पे है ये आप मुझे आंसर करिएगा तो सबसे पहला तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे ये तो बच्चा बच्चा जानता है हाँ जी आगरा आगरा के पेठे ना खाए तो तुमने क्या खाया दुनिया में सुनो यमुना रिवर के किनारे मिलेगा अगला है अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो है ये कौन से रिवर के किनारे पर है तो ये साबरमती नदी के किनारे पर आपको मिलेगा अलाहाबाद कह लो या प्रयागराज कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं फर्क पड़ सकता है तो यहाँ पे ये बोलना ठीक है एटी टू बिल्कुल सही है सुजाता तो ये क्या है भाई यहाँ पे गंगा यानी या सिंपल बोलो है कॉन्फ्लुएंस है गंगा यमुना और सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस आपको मिलता है अगला देखो अयोध्या यूपी के अंदर कौन सी नदी के किनारे सरयू के किनारे अगला है लुधियाना लुधियाना की जब आप बात करोगे तो आप जानते हो पंजाब के अंदर सतलज नदी के किनारे पर अगला है मथुरा हाँ जी मथुरा के पेड़े चलो कौन सी रिवर हो जाएगी यमुना नदी हो जाएगी और दिल्ली के लिए भी अगर सवाल आएगा तो भी यमुना रिवर हो जाएगी अगला देखो मदुरई कौन सी रिवर हो जाएगी वैगई नदी नासिक की बात करी जाए महाराष्ट्र के अंदर तो गोदावरी रिवर आपको यहाँ पे मिलती है अगला लिखा हुआ यहाँ पे क्या है पंधारपुर महाराष्ट्र के अंदर तो यहाँ पे आपको भीमा रिवर मिलेगी कौन सी भीमा रिवर अगला है पुणे पुणे वाला देखो पॉइंट हम लोग यूजली मिस कर देते हैं लेकिन रेलवे ने इसके ऊपर सवाल पूछ लिया था हाँ बिल्कुल भेज दो यार सुनो नहीं नहीं बिल्कुल आना होगा तब पुणे की बात करोगे तो यहाँ पे आपको कौन सी रिवर मिलेगी मूला रिवर मिलेगी पटना की बात करो गंगा रिवर मिलेगी और किसका रौल केला ओर की बात करोगे तो यहां पे आपको कौन सी मिलेगी महानदी मिलेगी कौन सी महानदी और इसी के किनारे आपको कटक की भी लोकेशन मिलती है ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अगला देखो यहाँ पे क्या है सांभलपुर सांभलपुर की बात सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड या ये रौल केला पे यहाँ पे इसको करेक्ट करो यहाँ पे ब्रह्मनी रिवर है सॉरी ब्रह्मनी रिवर है कटक जो है वो महानदी हो जाएगा ठीक है इसको एक बार से करेक्ट कर लियो अ हाँ बिल्कुल सही कह कहना दो का हुआ है अगला क्या है सांबलपुर जब हम सांबलपुर जाएंगे तो यहाँ पे आपको महानदी मिलेगी और जब श्रीनगर जाएंगे यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो यहाँ पे आपको झेलम रिवर मिलेगी ठीक है मैंने आपको सारे नाम एक बार से रिकॉल करा दिए चलो चलें लद्दाख उसके बाद में चलते हैं भैया वो जो रेलवे स्टेशन के ऊपर होटल बना है ही है सुनिएगा इंडिया का यूनियन टेरिटरी कौन सा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख है वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं इन्होंने सिक्किम के साथ में टाइप किया है सिक्किम के साथ में क्यों टाइप किया है आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं देखिए अभी हाल ही में लद्दाख ने क्या किया है सिक्किम के साथ में टाइप किया है ताकि सिक्किम जो कि एक ऑर्गेनिक स्टेट कहलाता है भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है अब इन्होंने लद्दाख के साथ में टाइप किया है ताकि लद्दाख को क्या बनाया जा सके यहाँ पर कार्बन फ्री बनाया जा सके इसके साथ में इसको ऑर्गेनिक स्टेट भी या ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बनाया जा सके अब आप कहेंगे क्या मतलब है इसका मुझे तो लग रहा है सपनों में ही जा पाएंगे हम तो खैर आ जाओ पॉइंट पे आते सुनिएगा सिक्किम की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो खेती होती है यानी कि यहाँ पे जो फार्मर्स वगैरह होते हैं जब वो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हैं तो वो लोग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इन सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं ये लोग ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है परंपरागत कृषि विकास योजना कौन सी परम्परागत कृषि विकास योजना इस योजना के अंदर काम किया जाता है बहुत अच्छी बात है और इस योजना को लॉन्च किया गया था सोइल हेल्थ कार्ड योजना के अंदर और ये लॉन्च कब होती है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था चलो बहुत अच्छी बात है तो सिक्किम के अंदर जब ये लॉन्च हुई थी तो उसके बाद में ये सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया लेकिन अब क्या हुआ लद्दाख के अंदर भी ये चीज़ कही जा रही है पहली चीज बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है हाइट पे होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ बोला जा रहा है कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फोकस करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के ऊपर ताकि इस जगह पर भी अगर थोड़ा बहुत भी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह जो है वो ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बन जाए समझ गए तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर सिक्किम के अंदर किसके साथ टाइप हुआ है लद्दाख के साथ में टाइप हुआ है अब देखो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बसेस कहाँ पे चलाई जाएंगी तो सबसे पहला शहर ले सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइए ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पे हर एक पर्सन को वैक्सीनेट किया जा चुका है पहली डोज से तो भी आंसर क्या हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा तो भी आंसर क्या हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा समझ गए करेक्ट है भैया देखो किसी का कोई सवाल छूट जाता है तो आपको पता है डेस्टिनेशन क्या है वहां पे आके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं ठीक आ जाओ चलो लद्दाख के बारे में जितने पॉइंट्स मालूम है फटाफट से छापना चालू करिएगा पहला पॉइंट इसके अंदर दो डिस्ट्रिक्ट है ले हो गया और कारगिल हो गया दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है आर के माथुर जी हैं और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको हेमीज नेशनल पार्क मिलेगा हेमीज नेशनल पार्क में वैसे तो आपको स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं लेकिन यहाँ पे आपको एंटीलोप्स भी देखने को मिलते हैं जो कि हिरण की तरीके से होते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है लद्दाख के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सोकर लेक देखने को मिलती है और ये रामसर साइड के अंदर अभी हाल ही में जोड़ी गई है अगला पॉइंट यहाँ पे पेगोंगसो लेक है और सो मुरारी लेक भी लोकेटेड है इधर के साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गलवान वैली की लोकेशन मिलती है आप मुझे आंसर कर करके ये बताओ कि कल मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटेस्ट हुआ था एक छोटा सा गांव था लद्दाख के बिल्कुल बॉर्डर पे उस गांव का नाम क्या था कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर करो ठीक है तो ये तो यहाँ के पॉइंट हो गए अच्छा बाकी देखो क्या लद्दाख के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक सेंटर खोला जाएगा और साथ में यहाँ पे जियो पावर प्रोजेक्ट का भी काम किया जाएगा सारे काम हो जाएंगे बस हम यहाँ पर नहीं जा पाएंगे हमको तो अब यही आसान लग रहा है अगला सुनो यहाँ पे माउंटेन रेंज है एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है काराकोरम है जहाँ पे आपको शियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है शियाचिन ग्लेशियर को बोला जाता है पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा ये क्या है बेटल है क्या है सबसे ऊंचा बेटल फील्ड है और आने वाले समय में यहाँ का जो स्टेट एनिमल स्टेट एनिमल ही बोलेंगे यूटी एनिमल नहीं बोला जाता स्टेट एनिमल जो होगा वो स्नो लेपर्ड बन सकता है सो बी प्रिपेयर डेम बिल्कुल सही है हाँ हा, आ जाओ भैया पहुंचा दिया कहां पे? मतलब, मतलब टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है नीचे के साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये बना हुआ है रेलवे स्टेशन और इसके ऊपर बना हुआ है क्या होटल वो भी फाइव स्टार आज हम बात करें नरेंद्र मोदी जी 16 जुलाई को इनोग्रेट करने वाले हैं वर्चुअल मोड पर यानी कि वो जाएंगे नहीं लेकिन इनोग्रेशन यहाँ पे किया जाएगा और ये जो इनोग्रेशन किया जाएगा ये किस जगह पर है कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में और ये जो कॉन्स्टिट्युएंसी है ये किसकी कॉन्स्टिट्युएंसी है तो ये अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्युएंसी है ये वही वाली जगह है जहां पे मैंने आपको बोला था कि नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है पूजा करेक्ट है बंगाली बाबू राम करेक्ट है जय हिंद चलो अच्छा तो ये तो मैंने आपको बात बता दी कि कहाँ गांधीनगर के अंदर देख तो लो एक बार प्लीज टेक केयर देख रहे हो अच्छा चलो अब देख लो अब देख रहा है मजा आ रहा है खुश हो गए चलो अब समझ लो देखिए हुआ क्या है यहाँ पर गुजरात के अंदर टेक्नोलॉजी करी गई कि नीचे की तरफ क्या है गांधीनगर रेलवे स्टेशन है और इसके ऊपर फाइव स्टार होटल डेवलप किया गया है और ये जो होटल का काम स्टार्ट किया गया है 2017 से स्टार्ट कर दिया गया था इसके अंदर टोटल 318 रूम है अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई हमारे पेपर में नहीं आएगा टोटल अमाउंट कितना लगा है हमारे पेपर में नहीं आएगा लेकिन हमारे पेपर में आएगा कि गांधीनगर की सबसे ऊंची जो जगह है यानी कि जो टॉलेस्ट प्लेस है वो कौन सी है तो वो यही वाली जगह हो जाएगी दूसरा पॉइंट गांधीनगर जो है आपको मालूम होगा ये कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट है किसकी गुजरात की और ये कॉन्स्टिटेंसी है किसकी अमित शाह जी की तो इसका इनोग्रेशन किया जाएगा इसकी हाइट कितनी है तो करीबन सेवेंटी सिक्स पॉइंट नाइन नाइन मीटर्स इसकी हाइट है तो अब तुम ये बताओ <coughs> तो आप में से कौन कौन है जो गुजरात जा रहा है भाई मेरी तो दिली तमन्ना है कि अगर जाने का मौका मिला तो डेफिनेटली इस यहाँ पे भी जाया जाएगा तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया अब सुनिएगा एक और पॉइंट ये जो होटल यहाँ पे डेवलप किया गया है इसी के साथ में कल यहाँ पर ये यह भी बोला गया है कि मोदी जी जब इसका इनोग्रेशन करेंगे तो हो सकता है कि कुछ और भी प्रोग्राम इनके द्वारा लॉन्च किए जाए जैसे कि यहाँ पे एक्वेटिक गैलरी बनाई जा रही है रोबोटिक गैलरी भी बनाई जा रही है और नेचर पार्क भी डेवलप किया जा रहा है तो जब ये बन के तैयार हो जाएंगे पूरे पूरे तब हम इनके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे ठीक है आइए गुजरात और गुजरात के बारे में जितने पॉइंट्स आपको मालूम हो फटाफट से आंसर करते हुए चलना सुनना सबसे पहला पॉइंट गुजरात को कब बनाया गया 1960 में किससे अलग होके बना है महाराष्ट्र से अलग होके बना है गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी गांधीनगर हो जाएगी प्लीज़ अहमदाबाद मार्क करके मत चले आइएगा अहमदाबाद के अंदर आपको मिलेगा मोटेरा स्टेडियम और ये जो मोटेरा स्टेडियम है इसका नया नया नाम जो है वो मोदी जी के नाम पे रखा गया है नेक्स्ट हो जाएगा अहमदाबाद जो है ये क्या है सबसे पहली हेरिटेज सिटी के अंदर इसको रखा गया है और गांधीनगर जो है ये सबसे पहली गिफ्ट सिटी के रूप में जानी जाएगी यहाँ पर आपको गिर नेशनल पार्क मिलेगा जहां पर एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं और इसी गुजरात के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको रानी के बाब नाम की जो जगह है वो देखने को मिलती है रानी की बाब जो है ये सौ रुपए के नोट पे बनी हुई है और यूनेस्को के साइट के अंदर इसको रखा गया है गुजरात इससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हनी टेस्टिंग लैब बनेगी और लीथियम के लिए यहाँ पर एक काफी बड़ी जो यूनिट है वो यहाँ पर लगाई जाएगी आई एम फ्रॉम गुजरात आई एम हरे खुशी देखो चलो ठीक है डेफिनेटली डेफिनेटली यहां पर ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो तो हमें पता है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आपको यहीं पर मिलता है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका स्टैचू है तो ये सरदार पटेल जी का स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है इतनी हो जाएगी किसने इसको बनाया है तो इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा इनके द्वारा इसको बनाया गया है ठीक है चलो अच्छा दया का मायका शे चलो अगली न्यूज जो है वो है यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैडमिंटन की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये कहाँ पे आयोजित करी जाएगी इसका आयोजन कहाँ होने वाला है तो भैया इसका आयोजन होगा भारत के अंदर तो जरा सुनिएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप टू में कहाँ पर होगी इंडिया के अंदर होगी गजब लग रहा है ना अब जरा सुनना पूरी कहानी क्या है देखिए बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कौन कराता है वर्ल्ड लेवल पर जो बैडमिंटन फेडरेशन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है कोलालामपुर मलेशिया के अंदर लोकेटेड है अच्छा अब इन्होंने कहा है कि 2023 में भारत के अंदर एक ट्रॉफी होने वाली है जिसका नाम है सुधीरमन कप और यह ट्रॉफी कौन कंडक्ट करेगा इंडिया इसका आयोजन करेगा और ये बैडमिंटन के साथ में जुड़ी हुई है बहुत अच्छी बात है लेकिन अब ये भी बोल दिया गया है कि इंडिया जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को होस्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ को होस्ट करने वाले हैं दैट इज 2026 में जो बैडमिंटन के लिए चैम्पियनशिप होगी उसको इंडिया होस्ट करने वाला है अच्छा तो पहली बार है क्या ऐसा कि इंडिया इसको होस्ट करेगा नहीं इससे पहले भी हैदराबाद के अंदर 2009 में इंडिया ने इसको होस्ट किया था अब हैदराबाद आया है तो वो वाली बात मत कर देना कि पता चला किसी ने पूछा कि तुम्हारी बर्थ प्लेस क्या है तुमने कह दिया हैदराबाद और गलती से उसने पूछ लिया व्हाट इज़ द स्पेलिंग तो तुमने कहा मेरी बर्थ दो हुई थी गोवा के अंदर तो ऐसा मत कर दीजिएगा ठीक है कोई बात नहीं सौरभ घोष आई हैव सीन योर आंसर देखो इतना नहीं करते गुजरात में डेवलपमेंट हो कहीं पर भी हो इंडिया के अंदर हो रहा है ना रहे तो ये ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद 2009 में पहले भी इंडिया इसका आयोजन कर चुका है दिस इज द सेकेंड टाइम जब इंडिया के अंदर इसका आयोजन होने जा रहा है अच्छा बैडमिंटन प्लेयर्स कौन कौन से पी सिंधु जिनकी किताब आपको याद होगी मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है शटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु की बात करें तो इनको सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट हो जाएगा साइना नेहवाल वेरी इंपॉर्टेंट नेम और 2015 में ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी इसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है अगला नाम है ज्वाला गट्टा आपने देखा होगा इनको बड़ी अच्छी लगती है वैसे ये ज्वाला गट्टा ये नाम भी बैडमिंटन के साथ में जुड़ा हुआ है और एक और नाम जो कि है बी साई परिणीत इनका नाम लिख कर एस्ट्रिक मार्क लगा लेना क्यों एस्ट्रिक मार्क लगाना है इसका रीजन है इसका रीजन ये है कि ही इज द ओनली मेल बैडमिंटन प्लेयर ही इज द ओनली मेन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने क्या किया हुआ है जब आ, ये चैंपियनशिप हुई थी 2019 में स्विट्जरलैंड के अंदर तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इनके अलावा कोई और मेडल जीत के लाया ही नहीं था समझ गए तो ये चीज ध्यान रखेगा आ, सेंटर की तरफ से डेवलपमेंट एग्जैक्टली लवप्रीत बिल्कुल सही ठीक अच्छा अब जरा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओलंपिक के पर्सपेक्टिव से पवार मिर्जा आपको ध्यान होगा सबसे पहले घुड़सवार जिन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए दूसरा नाम भवानी देवी ये कौन है ये है तलवारबाज जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है और ओलंपिक्स में टोटल कितने यहाँ पे प्लेयर जा रहे हैं 119 प्लेयर जा रहे हैं जिसमें से 67 कौन है मैन है और 52 कौन है वुमेन है ये ध्यान रखना पेपर में हो सकता है पूछा जाए पता है क्यों बता रहे हैं क्योंकि कल नमो ऐप का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उन सारे प्लेयर से बात करी है जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं क्योंकि ट्वेंटी थर्ड ऑफ जुलाई से इसकी शुरुआत हो जानी है ठीक है अगला सुनिएगा यहाँ पे क्या है अनिर्बन लहरी सबसे पहले मेंस की कैटेगरी में गोल्फर जो जा रहे हैं कहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स और अगर फीमेल कैटेगरी में पूछा जाए तो अदिति अशोक हैं जो कि जाएंगी कहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर अगला नाम नायक ये सबसे पहली जिम्नास्ट बनी है की कैटेगरी में जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं ये नाम नेत्रा नाम याद रखिएगा ये कौन है भैया सेलर हैं चेन्नई से बिलोंग करती हैं एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन विमेन पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्वालिफाई किया है अगला सज्जन प्रकाश याद है ना कौन स्विमर है भैया अच्छा स्विमर से मुझे एक चीज और याद आई माना पटेल अगर फीमेल की कैटेगरी में पूछी जाएंगी तो माना पटेल और अगर मेन की कैटेगरी में पूछा जाएगा तो कौन है सज्जन प्रकाश अच्छा एक आखिरी पॉइंट जिमनास्ट की कैटेगरी में भारत की तरफ से पहली बार किसी को जज के रूप में चुना गया है और उनका नाम यहाँ पे क्या है इनका नाम है दीपक काबरा ठीक है इनका नाम क्या है दीपक काबरा यानी कि जो जिम्नास्ट की कैटेगरी है उसके अंदर ये जज के रूप में काम करने वाले हैं अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ये अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई भी ऐसा प्लेयर जो कि यूपी से बिलोंग करता है जैसे कि सौरभ जो शूटर है अगर वो यहां पे जीत के लाता है मेडल तो योगी बाबा उसको छह करोड़ रुपए देने वाले हैं समझ रहे हो और यहीं से एक और बात आपको बता दें इंडियन ओलंपिक कमिटी जो बनाई गई है इसके अध्यक्ष कौन है नरेंद्र बत्रा जी हैं और अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हॉकी फेडरेशन है उसमें सेकेंड टर्म यानी कि दूसरी बार किसको अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया तो भी आंसर क्या हो जाएगा नरेंद्र बत्रा इसका आंसर बनेगा ठीक है तो इतनी बातें जो है वो आपको याद रखनी है आज वाले सेशन के साथ में करेक्ट है न्यूजी फर्स्ट फर्स्टर करेक्ट है भैया छह करोड़ रुपए मिलने वाले हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट टू देम तो ये तो था हमारा आज का सेशन अब इसके बाद में आपसे मुलाकात करेंगे साढ़े दस बजे के क्लास में दिस इज योर होमवर्क जो आपको करना है कमेंट बॉक्स के अंदर और प्लीज गाइस सभी लोग आंसर किया करो क्योंकि गिनती के दो सवाल होते हैं आंसर तो करना बनता ही बनता है ठीक है सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा और इसके अलावा आपका नया पेड बैच मनोज की खुशी तो जरा देखो छ करोड़ ओ एम जी चलिए अच्छा तो ये है आपका पेड बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है चौदह तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा अभी इसमें साइंस पढ़ा रहे हैं साइंस खत्म होने के बाद में पच्चीस तारीख से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगी तो अगर इंटरेस्टेड हैं चाहे आप सीईटी की बात कर लो या यूपी पीटी की बात कर लो एसएससी है एनडीए सीडीएस है कोई भी एग्जामिनेशन है जिसके अंदर जीएस मैथ इंग्लिश और रीजनिंग आती है यू कैन ज्वाइन दिस बैच क्योंकि ये आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है प्राइस हाइक होने वाले हैं तो टाइमली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सो so दैट आपका कोई भी सेशन जो है वो यहाँ पे मिस ना हो बाद में बताएंगे फिर कभी फुर्सत में चलो अच्छा और इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो टेस्ट होता है वो हर संडे को होता है बट आपके जो स्पेशल क्लासेस हैं कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे यूपी पीटी के लिए लूसेंट पढ़नी है क्या बेटा लूसेंट पूरी पूरी तो पढ़ा के रखी हुई है तुम लोग क्लास ही नहीं देखते हो दोपहर में दो बजे अब बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं आई कांट मतलब मैं आपको खींच के लेके नहीं आ सकती ना आई कैन जस्ट से कि दोपहर में दो बजे का जो क्लास है वो स्टार्टिंग जी का चल रहा है जो आपके यूपी पीटी रेलवे एस हर पेपर में आता है यार प्लीज डू ज्वाइन तुम नाम बदल लो बता रहे हैं तुमको बुरी आत्मा कसम से बता रहे हैं, नाम बदल लो चलिए अच्छा नहीं नहीं आज दूसरा नाम है आज है तड़पती हुई आत्मा चलो भूमि ओके okay. तो ये ध्यान रखिएगा और uh, मिलते साढ़े दस बजे के सेशन में टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए घर पे रहिए एंड पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए